नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सरकारी बाबा में। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए वन वर्ड का पार्ट टू लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि जो मैंने पार्ट जो भी बनाए हैं, आप उनको एक बार प्लीज़ से देखो, क्योंकि यार जितना भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि सर अभी तक जो आपने 10% भी सिलेबस डाला ना, उसके अंदर से भी मेरे CHSL में आ रहे हैं, मेरे इसमें आ रहे हैं, मेरे उसमें आ रहे हैं, KVS में, FCI में। तो यार कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डाटा है ना, ये मतलब बेस्ट है, सिलेक्टेड है। यार पता है मैंने क्या किया है, आपके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो, प्लस में जो अच्छी अच्छी बुक्स है वो, उसके बाद क्या यूट्यूब से जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज़ को देख के जितना मतलब मेरे से हो सकता था मैंने डाटा निकाला कि यार क्या चीज़ है ऐसी जो बार बार आ रही है एग्ज़ाम्स में। तो वो उसको निकालने के बाद आगे चला हूँ मैं। तो चलो आज ज़्यादा ना बोलते हुए डायरेक्ट चलते हैं यार। पर यार आप एक छोटा सा काम कर दो कि मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है सब कुछ कर दो, क्योंकि दोस्तों जो भी कंटेंट मैं बनाऊंगा आगे इन फ्यूचर वो आपको मिलता रहेगा। बस इतनी सी गुजारिश है। चलो नेक्स्ट पे चलते, क्या है आज का अपना थीम। तो फ्रेंड्स, मेरा जो जो आज का पहला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं स्मृति लोप। पर इसको आप स्मृति लोप कुछ याद मत करो, ये थोड़ा टिपिकल है। पर आप यार कोई मुझे यूँ ना बोले कि यार उसकी हिंदी तो पता ही नहीं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। आप इसको देखो, इंग्लिश में आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या है कि एक आप पिक को देखो, पिक के अंदर मैंने क्या दिखाया कि एक लेडीज है, वो मतलब थोड़ी ओल्ड एज है, तो मतलब बुढ़िया है। तो आपने कभी देखा होगा कि यार लाइफ में अपनी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है, वो चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप एक छोटी सी इस हिंट से इस वर्ड को याद करने की कोशिश करना कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। दूसरा इसका अभी शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं कुछ बनती है। तो एक आपने गजनी मूवी देखी होगी, वहाँ से रिलेट कर लो कि हाँ भाई उसके अंदर वो बंदा जो था वो चीज़ों को भूल जाता था, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो इसको देखो एक वर्ड से ट्रिक क्या बनाते हैं आप देखो, इसका प्रोनंसिएशन देखो क्या है, एमनेशिया। एमनेशिया में आप इसको एक ऐसे सोचो, अम्मा ने सिया, एमनेशिया अम्मा ने सिया, यानी एक अम्मा है उसने क्या कुछ सिया है, कुछ कपड़ा है वो सिया है, बैग है मान लो, और वो उसको सी के भूल गई, उसको क्या होगा टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। तो एमनेशिया का मतलब क्या होता है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो नेक्स्ट के पे आगे चलते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हुआ होगा। तो और वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आपको ये वीडियो देखते देखते सब याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। चलो ये देखो क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समय के अनुसार, क्रमानुसार, अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस ऑफ टाइम। तो आप इसको कैसे याद करोगे कि इसका एक एग्जांपल देखो कि आपने देखा होगा कि आपको मतलब लाइफ में बहुत से लोगों ने एडवाइस देते हुए सुना होगा कि यार आपको समय के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो आप मात खा जाओगे। इस टाइप की आपने एडवाइस देते लोगों को सुना होगा। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि समय के अनुसार, वो जो परिस्थिति होती है ना जिस परिस्थिति के अंदर कोई इंसान समय के अनुसार चल रहा है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो इसको आप याद करने के लिए ट्रिक, यार ट्रिक तो क्या है, बस एक छोटा सा ट्रिक, कुछ नहीं होती यार। आप कहीं वर्ड से दो चार अक्षरों को लेके उसका एक शॉर्टकट बना दो कुछ भी, कि हाँ इतने वर्डों से मैं कुछ शॉर्टकट बना रहा हूँ, वो दिमाग में सेट हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वर्ड देख के आपको वो चीज़ हिंट मिल जाएगी, हाँ इस चीज़ से मैंने इसको याद किया था। बस ये ट्रिक होती है और कुछ ट्रिक नहीं होती, ऐसे इन्हीं को लोग ट्रिक बोल देते हैं। तो फिर भी लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगती है, तो मैं कुछ बता देता हूँ कि ट्रिक क्या है। तो देखो आप इसके अंदर पहला छोटा सा आगे का वर्ड पढ़ो, चोरों, कोरों की जगह आप इसको क्या पढ़ो, चोरों। तो इसको आप कैसे याद करो, चोरों ने भी लॉजिक लगाया कि है ना समय के अनुसार चोरी करनी चाहिए, अगर वो दिन में चोरी करेंगे तो वो फंस जाएंगे। तो बस हो गई यार, ये ट्रिक बना दी क्रोनोलॉजिकल, चोरों ने जो लॉजिक लगाया कि भाई हम चोरी करेंगे वो समय के अनुसार करेंगे, बस समझ गए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या अपना एमेरिटस, इसको देखो इस पिक के माध्यम से हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आपने देखा होगा सह सम्मान सेवा मुक्त, कौन व्यक्ति होते जो रिटायर्ड पर्सन होते, रिटायर्ड पर्सन मतलब आपने गवर्नमेंट सर्वेंट देखे होंगे जब वो रिटायर होकर आते हैं ना, ऐसी मोटी मोटी पैसों की थैली भर के आती है भाई साहब, 30-35 लाख रुपए कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, जब एक डी ग्रेड का भी बंदा रिटायर होता है। लेकिन आज तो यार ये जो था मतलब पेंशन वेंशन का आगे का किस्सा खत्म कर दिया, पर यार जो आपका PF कट के आता बहुत मोटा पैसा आता है।
तो इसको एमेरिटस बोलते हैं, जो सह सम्मान से मुक्त व्यक्ति होता है। तो इसको आप, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। तो इसके कुछ ट्रिक व्रिक क्या बनाए यार, आप इसको बस इसके थ्रू याद करना, पिक के माध्यम से इसको थोड़ा सा देखो और वहाँ से इसको माइंड में सेट करने की कोशिश करो। और बाकी अगर कुछ ट्रिक ही पूछना चाहते हो तो यार देखो इसको क्या बोलेंगे, मेरिट मेरिट मेरिट। कोई अब मान लो कोई किसी कोई ऑफिसर्स के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि भाई जो बंदा मेरिट में आएगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो बस ऐसी छोटी सी ट्रिक बनाई, उसको रट लिया। रटना भी क्या, अपने आप ही दिमाग में सेट कर लिया बस। चलो नेक्स्ट के, नेक्स्ट पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्या अपना, डेनिजन। डेनिजन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डेनिजन निवासी, हिंदी में इसको निवासी बोलते हैं, पर ये सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता, ये एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, प्लांट के लिए भी यूज़ होता है। और क्या चीज़ होती है, जैसे कि मान लो एक एक व्यक्ति है, ए पर्सन, ए प्लांट दैट लीव्स ग्रोस और इट्स ऑफन फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको हिंदी में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल क्या कहता है कि इसका एग्जांपल आपको ये बता रहा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके पास कोई प्लांट है, वो प्लांट है ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलता है। जैसे कि आप लगा लो कोई काजू है, वो क्या दिल्ली में उग सकते हैं, नहीं उग सकते, वो कहाँ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उग रहे हैं, वो बाहर कहीं नहीं उग सकते, तो वो क्या है, डेनिजन है। तो बस ये कुछ ऐसा ही छोटा सा एक लॉजिक है इसको याद करने का, डेनिजन निवासी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो आप इसको रटो ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये वर्ड क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉन्टेंजुअस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, संक्रामक। आपने छुआछूत के जो वर्ड पढ़े होंगे, तो कॉन्टेंजुअस यानी विच स्प्रेड्स बाय फिजिकली टच और कॉन्टैक्ट। उन जो इस तरह की बीमारियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टेंजुअस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, उन्माद, यानी एक मतलब खुशी, जो किसी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी। आप देखो जैसे कि इस पिक के अंदर एक बच्चा है, उसके अंदर कितनी खुशी नज़र आ रही है कि उसको कुछ मिल गया। ऐसे ही इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। तो इसको याद करने का क्या कुछ सोचते हैं यार, देखो हर एक की तो मैं भी नहीं बना पाता यार, ना इतना टाइम मिल पाता, क्योंकि सारा दिन आपको पता प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे निकल जाता है। तो उस चक्कर में अभी आज आया हूँ, क्योंकि 3 4 रातों से वहीं था। तो चलो खैर वो बात तो बाद में करेंगे, पहले अपने वर्ड पे आते हैं, फ्रेंजी। अब इसके अंदर देखो यार एक थोड़ी सेंस मिली हमें फ्रेंड वर्ड टाइप से, फ्रेंड। तो कोई फ्रेंड आपको बहुत दिन से नहीं मिला है और एकदम से आपको मान लो 3 4 साल बाद मिले, तो आपको क्या होगा, खुशी तो होगी, वो एक एक्साइटमेंट ही तो होगी। तो उससे मिलने की क्या होगी, एक्साइटमेंट होगी। तो वहीं से ऐसे एक छोटी सी मतलब सॉरी कहानी बना के आप इसको याद करो कि फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, उन्माद। हिंदी में इसको उन्माद बोलते हैं और इंग्लिश में स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है तो यार आप स्पीड को थोड़ा तेज कर लेना सेटिंग में जाके। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब होता है रोग भ्रम। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों को मतलब ऐसे भ्रम रहता है कि यार मुझे ये बीमारी हो गई है, होता कुछ नहीं, पर एक थोड़ा दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे कुछ हुआ है। तो इसका आप याद कैसे करोगे, इसको रोग भ्रम, इमेजिनरी एलिमेंट्स इसको इंग्लिश में वन वर्ड में बोलते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रिया। इसको याद करने का क्या बताऊँ यार, हाइपोकॉन्ड्रिया। चलो इसको आप बनाना यार, कमेंट्स में कुछ बताना अगर बने तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनफेलिएबल। इनफेलिएबल वो होता है जो इंसान गलती ना करे, नेवर रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, इनफेलिएबल जो मतलब आप इसको याद करेंगे यार, इसको तो ऐसे देखो जैसे फाल। फाल का मतलब क्या, गिरता, जो आदमी कभी ना गिरे एकदम, मतलब चल बाइक चला रहा मस्ती, जो कभी ना गिरे यानी गलती नहीं कर रहा, तो क्या जो कभी गलती ना करे नेवर रोंग। इनफेलिएबल जो गलती ना करे नेवर रोंग। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्वलनशील, विच कैच फायर इजीली। तो देखो अभी इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, आठवा और नौवा, भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हो कितनी दफा पूछे गए और कितनी दफा भी आगे पूछेगा। दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफ्ले देखो इसका तो मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो इन वर्ड लगा ना, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो वस्तु ज्वलनशील ना हो, बट इसका मीनिंग क्या निकलता है, जो ज्वलनशील हो। इसलिए मैंने एक ये दिखाई है, माचिस की तिल्ली। तो ये आपने देखा होगा कि ज्वलनशील होती है तभी तो एकदम इजिली कैच, इसके मतलब फायर को कैच कर लेती है। तो वहां से आप इसको एक इमेज को दिमाग में सेट करो और बस खाली इसके अंदर ये याद करना, बेशक इन लगा हुआ, पर ये वो वस्तु होती है जो आसानी से आग को पकड़ लेती है, जैसे मिट्टी, तेल, पेट्रोल, एक्सवाइजेड जो भी है। ठीक
है, और इन दोनों वर्डों का आप थोड़ा दिमाग में सेट करना यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे चलते मैथ्यू, इसका मतलब होता है दोस्तों कठपुतली का तमाशा, और ए प्ले एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जिसको हम मतलब आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, आपने कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वो उंगलियों से मतलब धागे बांधे कठपुतली का डांस दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैस्क्यो। ठीक है दोस्तों, चलो यार, और इसको चलो हाँ एक ट्रिक और बता देता हूँ इसका, बताऊँ? हाँ चलो बता देते हैं एक, इसको सिर्फ इस वर्ड को पढ़ो, मास्क। मास्क एक इस टाइप का आपने देखा होगा जो बाहर पार्टियां वगैरह होती है उसके अंदर लोग कुछ इस तरह का मास्क पहनते हैं, है ना, पहनते हैं ना, तो वो मास्क लगा के क्या कर रहे हैं, ड्रामा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस दे रहे। तो ऐसे करिए एक छोटी सी ट्रिक बनी, इसको याद कर लिया आपने, मैस्क्यू का मतलब कठपुतली का तमाशा। चलो दोस्तों आज के 10 वर्ड मेरे यहीं पे मैंने खत्म किए, अब आपका काम शुरू हो। आपका काम क्या है, इनको सबको उतार लो अपनी कॉपी में, इनको याद कर लो, साथ साथ याद करते चलोगे तो पेपर में जब आपका मतलब पेपर नियर बाय आएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो और बस कुछ नहीं यार, आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो, और प्रोटेस्ट में यार हमारा साथ दो, क्योंकि यार हम लोग आप लोगों के लिए तो बैठे हैं वहाँ। किसी एक बात बताओ, क्या मैं किसी अपने खुद पर्सनल प्रॉफिट के लिए वहाँ बैठा हूँ 12-13 दिन से? तो यार आप इस चीज़ को प्लीज़ सोचो यार, आप लोगों को आना चाहिए एटलीस्ट, जो लोग दिल्ली में हैं वो लोग तो यार ना करें ऐसा यार, कितने लाख लोग फॉर्म भरते हैं उसमें 10% भी आए तो सरकार की आंखें खुल जाएंगी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो यार, दिल से कह रहा हूँ, प्लीज़ आओ यार, चैनल सब्सक्राइब करना ना करो मत करो यार, जो आपका दिल करे वो करो, पर यार प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो, क्योंकि यार जो स्टूडेंट्स हैं उनको यार इनका हक नहीं मिल रहा, तो क्या फ़ायदा हो रहा है यार इस एग्ज़ाम प्रणाली का, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप बताओ 8,000 टोटल, मतलब सॉरी, एक सेंटर से 8,000 और एक सेंटर से और 7,000, टोटल 15,000 बच्चे 2 सेंटरों से पास हुए हैं, 15,000 आप सोच सकते हो, 13,000 नौकरियां थी कुल, इनके अंदर से आप मान लो कुल 10 बंदे भी अगर पढ़ने वाले हैं, 10,000 बंदे, सॉरी 1,000 बंदे भी पढ़ने वाले हैं, तो बाकी यानी सब 14,000 कहाँ से गए, पैसे वाले, और 13,000 नौकरियां, यानी इन 14,000 का कन्फर्मेशन है, ये 10 भी जो 1,000 भी थे ये भी गए बाढ़ में। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, स्कैम बहुत बड़ा चल रहा है। आपने देखा होगा वो संदीप के 700 एडमिट कार्ड, थोड़े नहीं होते हैं भाई, एक ही पूरा का पूरा सेंटर बुक कर रखा था, ये धांधलियाँ चल रही हैं। इन चीज़ों से अवेयर रहो, और जितना हो सके इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो, ताकि हम लोग जो वहाँ बैठे हैं हमें सपोर्ट मिले आप लोगों की, और सरकार पे दबाव बने तो आप लोग हम लोगों की जीत हो, हम लोगों को हमारा हक मिल सके। तो यार ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं, और फ्रेंड्स चैनल को शेयर सब्सक्राइब यार सब कुछ कर दो प्लीज़।